ओके हेलो दोस्तों, हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, शुभ संध्या आप सभी को। मेरा प्रणाम है और छोटों को जी भोरी आशीर्वाद। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज भी मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग अपने गांव से कर रही हूं, पौड़ी गढ़वाल थलीसैंड ब्लॉक के एक बहुत ही खूबसूरत गांव कपोली से। ये हमारा बेसिकली ससुराल है, परमानेंट ससुराल परमानेंट तो फिर हम चार बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि गांव का टूर करवाओ, और आज हम सोच रहे चलो गांव का टूर करवा देते हैं। मैं और काजू फ्री है तो सोचा चलो दोनों के दोनों थोड़ा इधर उधर हंडी लेते हैं, और कुछ तो हमारा काम है नहीं, तो फिर देखते हैं किधर किधर जा पाते हैं। वैसे तो जाना कहाँ है हम दोनों ने, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपना घर से स्टार्ट करती हूँ ना। सबसे पहले अपना घर दिखाते हैं और यहाँ की पहाड़ की वादियाँ, वाह वाह वाह। तो आप हमारे साथ बने, ठंडी ठंडी हवाएं, सच में मजा आ रहा। तो आपको दिखाएंगे, आप बने रहो। दोस्तों काजू को देखना, काजू इधर देख यार। तो यहाँ पे सब बैठे हैं, हम गप्पे मार रहे हैं। ये हमारे सासू जी है गांव में, रिश्ते में दादी बोल दादी, हाँ मतलब बुरी सास मतलब दादी जी, अब लोग दादी जी बोलते हैं। हाँ दादी तो बोलते हैं। हाँ सुन लिया मैं, ए छुटकी ना देख कुछ दादी कुछ हो यू को जा कुछ तू ही चाहे क्या नौजिंग का इंगे इंतहे निशा ए निशा निशा सॉरी तेरा प्यार ए निशा तेरा प्यार मामी बोला बनी गयो मत देख ना उधर राधे देख निशा मत ही नहीं देखना दौड़े यार निशा देख तू कौन माने लगने चाहिए क्यों जीव वो तो तेरे लटू लियो मैं फांस खाई दूं ए निशा लटू लिया अभी छोटी है उसकी बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे ना अभी फांस नहीं खा सकते बस देख सकते काजू वहां से कमेंट देख रहे कैसे कैसे पास कर रहे काजू के धोपे लिए आए फांस खाने लाए बाल जिसे फांस खानी हो डायरेक्ट काजू की धोपे लिए। तो दोस्तों ये है हमारा घर गांव का। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेरे ससुर जी चार भाई थे, तो जो सबसे बड़े भाई थे उनका ये वाला था सेट ऊपर नीचे, और सासू फिर जो हमारे ससुर जी थे उनका ये वाला था, फिर जो हमारे काका ससुर जी थे उनका ये वाला, फिर जो सबसे छोटे वाले काका ससुर जी उनका ये वाला सेट है। तो ऐसे करके कुछ है। तो फिर अब हमने अपना घर दिखा दिया आप लोगों को, ये देखो। और इसके आगे ये जो सगोड़े पतुड़े हैं ये हमारे नहीं है, किसी और के हैं, और मुझे नहीं पता है किसके। तो फिर चलो आगे का टूर करवाते हैं आपको। तो दोस्तों आज शादी है यहाँ ऊपर, आप सुन रहे होंगे गाने, वो ऊपर वाला घर है वहाँ शादी है, जहाँ मैं परसों चावल कूटने गई थी वहीं। अभी मैंने शादी का भी दिखाना था लेकिन हम दीबा से आए तो मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, नहीं जा पाई। फिर ब्लॉग का भी टेंशन हो रहा था मुझे, वो एडिट वेडिट करना था, इस वजह से नहीं जा पाई। तो जेठ जी और स्वामी जी गए थे, अभी हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ घुमा पाते हैं। गाँव तो बहुत बड़ा है, 150 परिवार है यहाँ, तो पता नहीं कैसे दिखा पाऊंगी, और मैंने यहाँ का रास्ता भी नहीं, मेरे को पता कहाँ कहाँ दिखाऊंगी। तो चलो चलते हैं, अभी हम फिलहाल रोड में जा रहे हैं, मैं और काजू, काजू नीचे खड़ी है और ऊपर बच्चे देखना वहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ आलू की खेती ज़्यादा होती है, तो देखो आपको यहाँ आलू ज़्यादा मिलेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ बांझ ज़्यादा काटा जाता है, मैंने बताया था ना गाय बच्चियों के लिए भैंस के लिए, तो ये उसके झाड़े हैं, इनकी आग बहुत अच्छी होती है बांझ के लकड़ियों की बहुत सुंदर। और आप लोग देख सकते हो ये मैंने आपको दिखाया भी, कंडेली है, बाकी ये घास फूस कई चीजें हैं। और ये देखो दोस्तों ऊपर ये हमारे माल्टे के पेड़ है इधर सारे, हाँ ये हमारा पहाड़ी फल बहुत टेस्टी होता है दोस्तों, जैसे जैसे शहरों में कीनो होता है ना, इस टाइप से हमारे गढ़वाल में माल्टे होते हैं, तो ये बहुत टेस्टी होता है। कीनो तो इसके सामने कुछ नहीं, फेल एकदम, कीनो संतरे दोनों। और दोस्तों ये है आड़ू का पेड़, हमारे गढ़वाल में थोड़े छोटे आड़ू होते हैं, और बाकी वैसे तो शहरों में बड़े बड़े, ये इसमें थोड़े छोटे आड़ू होते हैं, छोटे आड़ू होते हैं, वैसे शहरों में बड़े बड़े होते हैं। तो दोस्तों ये भी माल्टे का पेड़ है, ये वाला आप लोग देखोगे तो ये भी माल्टे का पेड़ है। और यहाँ से हम हमारे घर के लिए नीचे आ रहे हैं, बेसिकली हम लोग जा रहे हैं रोड पे। आओ मेरे साथ तुम, उठम ठम उठम। और मुझे लगता है ना काजू दौड़ियो, ये सेब का पेड़ है मेरे ख्याल से, यहाँ इतने सेब नहीं होते यहाँ पर,
ये एक ही पेड़ दिख रहा है मुझे, वो भी छोटा सा ही है, छोटा सा ही है वहाँ। वो आएगी, हाँ आएगी रे, सबास हमार दूरो नण दो भतीजो। ये क्या खाने तो लॉलीपॉप का नूडू चा बड़ी मांग, ये तो बड़ी मांग कल खड़ा तुम तो लॉलीपॉप नहीं नहीं चीज है इतनी माँ पैसा का बड़े तुम्हें राम तभी खा ले जा कुछ के टूट टूट है दबड़ नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे दुकान भी है। दोस्तों हमारे मौसा जी आ रखे थे आज यहाँ सामान लेके। ब्यो माया से मौसा जी तुम? मैं भी कफ कफ बस्ट आ गई। हाँ ये हमारे मौसी साल जी के हस्बैंड मतलब मौसा जी हमारे ना, तो दुकान में वो गाड़ी का वेट कर रहे हैं। ये टैक्सी में जान गया? अच्छा तो मौसा जी इंतजार कर रहे हैं थोड़ी देर में। दोस्तों ये आप लोग देख सकते हो, ये रोड है यहाँ की मेन रोड है और ये हमारे ससुराल का मेन गेट है। ग्राम सभा कपरौली में आपका स्वागत है। ठीक है तो फिर यहाँ से रास्ता सीधा आगे जाता है। ये दूल्हे की कार है, मैंने बताया था आपको ऊपर शादी हो रही ना तो फिर वही। तो दोस्तों अब हम रोड पे जैसे कि आ चुके हैं और हमारे बैकग्राउंड में देखो बहुत खूबसूरत पहाड़ है, तो हम आपको इन्हें बैकग्राउंड से दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ से गांव थोड़ा कम दिखता है, उस साइड से ज़्यादा दिखता है लेकिन उधर बहुत दूर पड़ जाएगा हमारे लिए जो हम जा नहीं रहे हैं। ये देखो दोस्तों तो दोस्तों यहाँ रोड पे थोड़ा आगे आके काका ससुर जी ने मतलब जो हमारे बड़े वाले काका ससुर जी उन्होंने ये दूसरा घर बनाया है यहाँ पे अपने लिए और यहीं पर उन छत में उनकी बाइक भी रहती है दूसरी वाली भैया जेठ जी मतलब लेके गए हुए हैं। तो फिर अब हम जा रहे हैं किसी से मिलवाना है हमें आपको। तो देखो दोस्तों काजू किनगोड़े खाने चली गई है, मैंने बताया किनगोड़े है तो वो चली गई खाने और यहाँ पे एक हिसोले का पेड़ भी आ गई पता नहीं आ जा। दोस्तों ये जो आप फल देख रहे हो ये इसे बेडू बोलते हैं और ये बाद में पक के थोड़ा वैसा कलर आता है इसका, कैसा बैंगनी नहीं लाल नहीं होता, काजू बैंगनी टाइप होता है। ये आप लोग देख सकते हैं ये वाला कलर आता है मतलब इससे डार्क कलर आता है उसका और इसके अंदर से दोस्तों दूध आता है। और हम कहते थे पहले इसके दूध से बहुत खुजली होती है पता, खाने में बहुत मीठे होते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, यमी। चलो फिर ये काजू तो किनगोड़े के डाल पर भी लग जा रही उससे। दोस्तों जब मैं गांव में रहती थी ना इतने किनगोड़े खाते थे, पता क्या करते थे वो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती थी उनमें भर भर के रखने थे और उनमें नमक मिलाना था, फिर खूब मिलाना था, कचौली बना के ऐसे खाते थे, मजा आता था सही में यार। हिसोले बहुत मजा आता, किनगोड़े से ज्यादा अच्छे हिसोले लगते हैं। हाँ हिसोले होते हैं। और ये जैसा कि मैंने बताया है कि यहाँ आलू की फसल ज्यादा होती है, तो देखो दोस्तों ये सारे ऊपर तक मुझे लग रहे सारे खेतों में आलू ही बोया गया है। आप लोग इधर भी देख सकते हो तो ये सारा आलू ही बो रखा और यहाँ नीचे एक इस खेत में मुझे लग रहा है झंगोरा बो रखा है, बाकी उधर आप देखेंगे तो वो सारा आलू बो रखा है, यहाँ आलू ज्यादा होता है। तो दोस्तों हमारे साइड मतलब हम लोग ठेठ पहाड़ी है तो हमारे साइड खेत बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब घर का कामकाज बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ से भले ही कुछ लोग बाहर चले गए लेकिन आधा से ज़्यादा लोग मतलब सभी लोग गांव में हैं और अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं खूब अच्छी तरीके से, काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसे बंजर नहीं दिखेंगी आपको हमारे इधर की खेती, हरा भरा दिखेगा आपको, खूब सुंदर सा बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ही मेरे माई के साइड भी है, मेरे माई के साइड तो धान भी रोपा जाता है, मतलब मजा आता है बहुत ज्यादा, रंगत सी दिखेगी आपको जाने का टाइम नहीं मिला, गांव है ना सब हरे भरे देखेंगे। हाँ यहाँ से आगे बैजरों से नीचे आपको सारे गांव हरे भरे देखने को मिलेंगे, बैजरों से आगे जो थोड़े गांव है उनमें थोड़ा कम हो गया मुझे लगता है जहाँ तक, तो फिर लेकिन इधर से आगे मतलब ये चौरीखाल से आगे मेरे ख्याल से पौड़ी में भी इतने ज्यादा नहीं है पर हाँ चौरी खास से आगे और बैजरों से नीचे आपको पूरा खेती ही नजर आएगी हरी भरी, तो मतलब खूब अच्छा लगता है। अब चलो चलते हैं हम आगे आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे कपरौली का इंटर कॉलेज है ये देखो, और यहाँ पे ये ससुर जी थोड़ा अपना काम कर रहे हैं, काफ़ी बुजुर्ग है फिर भी मतलब यहाँ के लोग कितने भी बुजुर्ग हो ना मेहनत खूब करते हैं। ये आप व्यू देख सकते हो,
हम रोड की साइड इसलिए आए थे कि एक मतलब हमने सासू जी बोलना होगा उन्हें, तो वो यहाँ पे काम करते थे पीछे जहाँ पे हमने दिखाया कि सासू जी, तो वो काम करते थे, काफ़ी बुजुर्ग हैं लेकिन खूब कर्मठ हैं, मतलब काम पे लगे रहते हैं, तो उन्हीं को दिखाना था हमें आपको, वो है नहीं आज, तो फिर हम वापस मुड़ गए, है ना। दोस्तों ये सारे आलू हैं, आप लोग देख सकते हो पूरा खेत आलू का है, इसके ऊपर भी सारे खेत आलू के ही है दोस्तों। ये देखिए काजू चली गई है, मैं भी जाती हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे भीड़ देख रहे हो, तो यहाँ पे बारात जाने वाली है, मतलब हाँ, तो दुल्हन अभी तक आई नहीं, मैं वही देख रही थी। और ये निशान है, ये हमारे यहाँ शादियों में जाती है, दो रहती है, एक व्हाइट कलर की, एक रेड कलर की, एक आगे से लगती है और एक पीछे से। तो दोस्तों अभी आधी बारात नीचे आई और दूल्हा दुल्हन नहीं आए, बाकी बाराती आ चुके हैं। देखो ये देखना, आज बारात में जीजुओं की सालियां आ चुकी है और कैसे छुप रही है देखना। ये देखो, ये नाचने वाले जो शादियों में नाचते हैं, ये देखो जो सबसे आगे रेड सूट में लगी हुई है, पीछे से दूल्हा दुल्हन, दुल्हन की जालिया, रेड पट्टे वाले पैसे दे दो, मेरी बेठुली मेरी आंखों की लाड़। ये देखना इन इनको ज्यादा बुरा लग रहा है। देखो मैंने बोला था ना, व्हाइट निशान सबसे पीछे रहती है। अगर नहीं लगा गए उन साल में सब चल रहे क्या? सब आ चुके हैं। इसका मैं लास्ट दिखा देना ऊपर से। धन्यवाद सोना था मेरे को यार, खूब देखने वाला। तो दोस्तों एक ब्लॉगर पार्टी में भी मिल गए हमें, वो बोल रहे कि मेरी बुआरी खूब देखते हैं क्या है, मेरी बुआरी अब दादी वो दादाजी वहाँ पे खड़े हैं, आओ काजू हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों हम आपको गांव का टूर करवाने वाले थे, और ये हमारे सब्सक्राइबर है, दुल्हन तो चली अब। दोस्तों यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे चावल फिराते हैं दुल्हन और दूल्हे के ऊपर। दोस्तों दुल्हन बैठ गए, रोने वाला। तो अपनी शादी में तो नहीं रोए मैं ज्यादा, पर थोड़ा सा हो रहा मन उदास। ये देखो लोग बैठे हुए हैं, काश जरा धूल भी चाहिए इन पर।
अबे हमारे यहाँ पहले से चलता है ये, बारात में जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दुल्हन जा चुकी है, देखो तो दोस्तों दुल्हन तो जा चुकी है और अब सब लोग भी अपने घर की ओर जा रहे हैं और मैं और काजू के दुल्हन, हमने सोचा था गांव का टूर करवाएंगे लेकिन बारात आ रही थी तो हमने सोचा चलो बारात का ही टूर करवा देते हैं आप लोगों को। विदाई सॉरी। ये शादी एंजॉय करके थक चुके हैं सारे के सारे, यहाँ पे बैठ के अपने थकान मिटा रहे हैं। पहचानी लग रही है जो बहुत जोर से बोला हाय गाइस। कैसे हो आप सब? हम मस्त छी। तो दोस्तों मैं बोल रही थी ये सारे छोटे छोटे भाभी के सब्सक्राइबर, ये मेरे सब्सक्राइबर है, बड़े प्यारे प्यारे देखना ना। मैं चढ़वा थी ना, और ये देखिए भावना ने कितने सुंदर फूल लगा रखे अपने यहाँ बालों में, और पूरी टीम आ ही रही है मेरे पीछे से, और ये पहाड़ी टोपी। ओह माय गॉड। तो फिर दोस्तों अब हम घर की ओर बढ़ चुके हैं, ब्लॉग काफी लंबा हो चुका है मुझे लग रहा है। आंख देख जा, ये 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 बहुत अच्छी लड़की है, क्यूट सी है, चुंगम ही चबाती रहती है ना। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ पक्का सब्सक्राइब करें, नहीं सॉरी शेयर करें, और मेरे साथ बने रहिए। ये मेरी पूरी टीम देखो, ये भी बने हैं मेरे साथ, तो बोलना बने रहो, बने रहो, शेयर करो, सारे दुनिया में फैला दो, हाँ। तो ये देखना तू भी बोल ना, वही दिल में नहीं आने वाला। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पेंडिंग करते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया, पसंद आए तो इन्होंने बोल दिया क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, हाँ उनकी तरफ से, हाँ वो इतना लंबा नहीं बोल पाएंगे। तो मिलते हैं आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बोलो टाटा, जोर से बोलो, चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखो स्वामी जी भी आ चुके हैं, और ये देखना, और यहाँ पे बहुत लंबी टीम बैठी हुई है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, सारे के सारे बैठे हुए हैं अभी, ये बारात भेज के थक चुके हैं सारे के सारे, हैं सब दगड़े बोला थी, हेलो दगड़े हो, सब हाथ जोड़ के नमस्कार दगड़े हो, दोबारा